हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट का, औंजला जी का, हमारे अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट्स का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप जैसे पत्रकारों के साथ सामने मुझे बोलने का अवसर मिला। मैं एआईसीसी की पंजाब की मीडिया प्रभारी हूँ और ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से मुख्य धारा के मीडिया ने हमारे न्याय पत्र को लोगों के सामने नहीं लाया है, इसलिए अलग अलग जगहों पर जाकर हम अपने न्याय पत्र की बात कर रहे हैं। और मैं खास तौर पे औंजला जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कल उत्साहित किया कि हम इस पर आज बात रखें। मैं इस बात से भी खुश हूँ कि हमारी सबसे वरिष्ठ सेवा दल की लीला वर्मा जी भी यहाँ बैठी हैं और भी महिलाएं बैठी हैं और आपके सामने हम अपनी बात रखते हैं। एक ऐसे माहौल में जब सभी ने देखा कि पहले चंडीगढ़ में क्या हुआ और परसों सूरत में क्या हुआ, इस तरह से जो लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इसके साथ साथ ये और बात है कि विपक्ष की बातें लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। तो जिन पांच न्यायों की बात नरेंद्र जी ने आपको बताई, वो सारी बातें मैं आपको विस्तार में बता रही हूं, लेकिन बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगी। जो मुख्य मुद्दे हैं जिसको हमारी शिवानी दीदी हर घर में जा जा के लोगों को बता रही हैं, वही बातें हैं, लेकिन आपके जरिए वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। पहली बात युवा न्याय की, जिसमें सरकार में जो 30 लाख रिक्तियां अभी खाली हैं, कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो सबसे पहले वो 30 लाख पद भरे जाएंगे, जिसके बारे में भर्ती भरोसा का एक कैलेंडर कांग्रेस ने 3 दिन पहले जारी किया है। आप सभी देखिएगा कि जून के महीने में सरकार के बनने के बाद से भर्ती की शुरुआत करके और दिसंबर के आखिरी तक नियुक्ति पत्र तक का एक जॉब कैलेंडर बनाया गया है। तो हम जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं और उसका हमने प्रमाण 3 दिन पहले फिर से दिया है। जो युवा है, हर युवा जो 25 साल तक की उम्र का होगा और जो ग्रेजुएट होगा, उसको पहली नौकरी यानी अप्रेंटिसशिप फ्री नहीं, पहली नौकरी उसे दी जाएगी, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो सरकारी हो, तो उसके पास एक जॉब का अनुभव आएगा और उसका फिर वो फायदा आगे चल के स्किल के रूप में उठा सकता है। एक बात उनके लिए जो कोरोना काल में निकले गिग वर्कर्स, जिन्होंने जब काम करना शुरू किया तो उनके लिए कोई सामाजिक न्याय की व्यवस्था नहीं है, तो हमने ये बात की है कि गिग वर्कर्स के लिए भी हम पॉलिसी बनाएंगे और उन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। एक युवा रोशनी नाम का प्रोजेक्ट है जिसमें 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड होगा, 40 साल से कम के लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। और एक सबसे खास बात कि एक युवा जो सपने देखता है और जब वो अपनी भर्ती परीक्षा के लिए पहुंचता है और वहां जाके उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो इस पेपर लीक के खिलाफ हम एक कानून बनाएंगे, जिसकी बात हमने युवा न्याय में की है। अब बात करते हैं नारी न्याय की, जिसमें हमारी चूंकि हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक की सरकारों ने गृह लक्ष्मी योजना और उससे पहले नारी सशक्तिकरण योजना के तहत महिलाओं को 1,500 रुपये और 2,000 रुपये प्रति माह देने की बात की है, जब महिलाओं के हाथ में हमारा इस बार जो हमारा न्याय की जो बात है इसमें 8,500 रुपये प्रति माह आएगा, तो ये पैसा हमारी अर्थव्यवस्था का चक्का चलाने के काम आएगा। और जब महिला के हाथ में पैसे होंगे तो कंजम्पशन होगा और जिससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। पहली हमारी बात यह है और ये महालक्ष्मी योजना है। दूसरी बात यह है कि 50% आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरी में मिलेगा। एक उदाहरण आपको हमारी इस बात का प्रमाण के रूप में मैं अपना देना चाहती हूँ। 1992 में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पहली बार डॉक्टर्स के अलावा महिला अधिकारियों को सेनाओं में जगह दी गई थी। और उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 2004 तक रही, उन्होंने जिस तरह से दूसरे लोगों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी थी, उसी तरह महिला अधिकारियों के लिए भी पेंशन का अधिकार छीन लिया गया था। तो 2007 में जब यूपीए की सरकार थी, महिला अधिकारी उस लेवल पर पहुंची जब उनको रिटायरमेंट के लिए रिलीज ऑर्डर दे दिया गया और कोर्ट में गए तो कोर्ट में केस जीतने के बाद भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते थे। उस समय महिला अधिकारी राहुल गांधी जी से मिली और उन महिला अधिकारियों को पेंशन का अधिकार मिला। तो मैं उन महिला अधिकारियों में से हूं जिनको 2010 में पेंशन का अधिकार यूपीए की सरकार में मिला था।
तो ये बताना दोबारा, मैं जरूरी समझती हूँ कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए जब हम कहते हैं कि 50% आरक्षण हम महिलाओं को सरकारी नौकरी में देंगे तो हम उसे पूरा करेंगे। आप सब जरा सोच कर देखिएगा कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल किस सरकार ने बनाए हैं आज तक। तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो भी आपने देखे हो, अगर कोई मुझे एजुकेट कर दे कि बीजेपी सरकार ने भी एकाध वर्किंग वुमेन हॉस्टल कभी बनाया है तो मैं उसकी शुक्रगुजार रहूंगी। लेकिन हमने ये और बात की है कि जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए हम हॉस्टल्स की संख्या दुगना करेंगे। गांवों के लेवल पर एक पंचायत में उनके लिए अधिकार मैत्री बनाई जाएगी, जिससे कि अगर वो महिला पुलिस के सामने भी अपनी बात ना कह सकें तो कम से कम अधिकार मैत्री उनका एक ऐसा जगह होगी जहां पे वो अपनी बातें कह सकती हैं और अपने लिए कानूनी प्रावधान ढूंढ सकती हैं। तो ये महिलाओं के लिए नारी न्याय की बात है। इसके बाद बात आती है किसानों की। आपने कईयों बार सुना है, कांग्रेस ने यह पहले भी कहा है और बार बार कहा है कि हम एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाएंगे, पहली बात। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि आज किसानी के उपकरण पर, खाद पर, पेस्टिसाइड्स पर, अलग अलग इक्विपमेंट के ऊपर 4% से लेकर 28% तक का टैक्स लगता है। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम टैक्स फ्री खेती करेंगे, किसानों के किसी भी काम में टैक्स नहीं लिया जाएगा। एक और बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फसल का खराब होती है तो मुआवजा 30 दिन के अंदर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से मिलेगा। एक अच्छी आयात और निर्यात की नीति हम चर्चा करके बनाएंगे, स्टेक होल्डर से चर्चा करके बनाएंगे, जिससे कि सरकार किसी औचक फैसला ना ले कि अगर कोई फसल हमारे यहाँ ज्यादा है उसका हम इम्पोर्ट ना करें, इस तरह की नीति। और एक और बहुत जरूरी बात, कांग्रेस ने हमेशा किसानों का कर्ज माफ किया है, लेकिन इस बार हम एक कदम आगे जाके ये कह रहे हैं कि हम एक आयोग बनाएंगे जो और भी सिस्टमैटिक तरीके से कर्ज माफी का जो प्रावधान है उसे पूरा करेगा। इसके अलावा श्रमिक न्याय, हमारे इंटक के भाई यहाँ पर हैं, मजदूर को उसका सम्मान मिले, यानी कि एक मजदूर को कम से कम 400 रुपए की दिहाड़ी मिले, ये एक बात। जैसा मैंने आपसे कहा गिग वर्कर को सामाजिक न्याय, तो जो हमने ये कहा है कि सभी लोगों को 25 लाख तक का एक बिना पैसे दिए बीमा, जो कि हमारा राजस्थान में बड़ी कारगर योजना थी, उससे हम सबको, वो सबके तरफ दिया जाएगा और उसमें ये गिग वर्कर्स भी रहेंगे। शहरी जगहों पर भी मनरेगा जैसी स्कीम लागू की जाएगी जिससे कम से कम 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित हो सके। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जो 25 करोड़ मजदूर मनरेगा में रजिस्टर हुए थे, आज उसमें से केवल 14 करोड़ और 33 लाख रह गए हैं और उनको भी 100 दिन की मजदूरी सुनिश्चित नहीं हो रही है। तो ये बहुत गलत बात है जिससे कि हमारे देश का मजदूर कम पैसों में काम करने पर विवश हो जाता है। तो ये हम बात करते हैं मजदूरों के लिए न्याय की, श्रम के न्याय की, और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट जिस न्याय की बात करते हैं उसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी और बहुत से बीजेपी के लोगों ने भी लोगों के सामने गलत प्रचारित किया है। हमारा ये कहना है कि हम हिस्सेदारी न्याय देंगे, जितनी जिसकी जनसंख्या है उसको उतनी भागीदारी मिलेगी, लेकिन ऐसा करते हुए हम सवर्ण लोगों का भी ध्यान रखेंगे। हमारा जो ये न्याय पत्र है इसका पेज नंबर 7 का तीसरा पॉइंट देखिएगा, हमने बात की है कि जो EWS के अंदर आने वाले सवर्ण लोग हैं हम उनका भी 10% आरक्षण सुनिश्चित करेंगे और आरक्षण की जो सीमा 50% है उसे हम बढ़ाएंगे। इसकी बात की है जहां ST सबसे ज्यादा होंगे वहां हम पेसा एक्ट बनाएंगे। तो ये हमारे अलग अलग चीजें हैं जिनके बारे में कांग्रेस के न्याय पत्र में है। लेकिन मैं चूंकि फौज से आती हूँ, आप लोगों को एक फोटो भी दिखाऊंगी और कुछ बात बताना भी चाहूंगी। ये मेरा फोटो है 2017 के अक्टूबर महीने का। मैंने समझा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सेनाओं को मजबूत करेंगे, देश को मजबूत करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आप लोग भी जरा अंदर सोचिए मैं जो आपसे कह रही हूँ कि कारगिल बीजेपी के समय में होता है, पुलवामा बीजेपी के समय में होता है, उसके बाद हम देखते हैं पठानकोट बीजेपी के समय में होता है, उरी बीजेपी के समय में होता है, 2002 का सांबा जहां एयरबेस पर, आर्मी बेस पर स्ट्राइक हुई थी वो भी बीजेपी के समय में होता है। आप देखिए उसके बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर, एयरफोर्स पर ड्रोन का अटैक बीजेपी के समय में होता है और पुलवामा की तो जांच भी नहीं होती। आपको ये सब क्या बताता है? ये जितनी भी बातें हुई है, ये सेना के ठिकानों पर हमला, ये कांग्रेस की सरकारों में कभी किसी ने सुना है क्या? भारतीय जनता पार्टी एक झूठ कहती है कि हमने सेनाओं को मजबूत बनाया है।
कांग्रेस की सरकारों ने 18-1900 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे, 14-1500 उन्होंने ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर्स मिला के खरीदे, मतलब लगभग 3000 जहाज खरीद के भारतीय वायुसेना को विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बनाया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने केवल 36 राफेल खरीदे। मैं एक लॉजिस्टिक्स अधिकारी हूं तो आपको ये बताना चाहती हूं, जो कि पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, कि 2007 में राफेल की टेंडरिंग की गई थी, तो आप ही जानिए उस समय किसकी सरकार थी। नरेंद्र मोदी जी ने केवल सप्लाई ऑर्डर दिया 36 जहाजों का और पूरे लोगों को गलत बताया कि हमने सेना को मजबूत किया है, ये एक बात। दूसरी चीज, सेनाओं में वरिष्ठता का क्रम टूट चुका है, अब जो सरकार की बात मानता है वही सेना अध्यक्ष बनता है। आपने सुना होगा 6 महीने पहले जनरल नरवाने ने कहा था कि अग्निपथ जैसी स्कीम सेनाओं के ऊपर थोपी गई थी और उसमें भी उन्होंने विरोध किया था, लेकिन उनसे ही कहलवाया गया कि ये एक अच्छी स्कीम है। आपको याद दिला दूं कि हिटलर ने भी एक एसएस आर्मी बनाई थी, साल्ट्स आर्मी, जिसमें केवल हिटलर के वफादार लोग होते थे। तो सेनाओं का फैब्रिक तोड़कर, कमजोर करके और लोगों को, युवाओं के साथ इस बात का धोखा करके कि सिर्फ 4 साल में उनको सर्विस दे के छोड़ दिया जाएगा, 75% लोगों को, एक युवा के साथ ये धोखा है या नहीं है। इसीलिए कांग्रेस की सरकारों ने ये भी कहा है कि हम अगर सरकार में आएंगे तो अग्निपथ योजना को खत्म करके जैसे भर्ती पहले होती थी उस तरह से हम भर्ती करेंगे। एक खास बात आप सबके सोचने के लिए कि आज युवाओं का पलायन हो रहा है, पिछले 8 साल में इतने सारे 8-10 लाख युवा बाहर देश छोड़कर चले गए, और मैंने तो आपके शहर में देखा है बहुत से घरों में ताले लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्यों हमारा देश सबके लिए लोकतंत्र नहीं है? जो विकसित देश हैं वहां पर हमारे लोग भी रहते हैं, पाकिस्तान के भी रहते हैं, अलग अलग प्रांतों के रहते हैं, लेकिन हमारे देश में ये जो सबके लिए रोजगार की बात थी वो क्यों खत्म होती जा रही है, ये आप सबको सोचना है। आज चीन हमारे यहाँ 2000 किलोमीटर आकर बैठा है, तो प्रधानमंत्री जी ने आज तक चीन के राष्ट्राध्यक्ष से इस मुद्दे पर बात नहीं की है। हमारी सेना जो कि सबसे शौर्यवान है उसने 19 बार बात की है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज तक चीन के राष्ट्राध्यक्ष से बात नहीं की है। हमारे विदेश मंत्री ने 1.5 बार बात की है, रक्षा मंत्री ने 2 बार बात की है, लेकिन दूसरी बार जब 2023 में बात की तो क्या बातचीत हुई इसका ब्यौरा आप लोगों को नहीं बताया गया। इन सारी बातों के मद्देनजर मेरा ये कहना है कि छद्म राष्ट्रवाद की सरकार जिसने लोकतंत्र को खतरा कर दिया है, सूरत की घटना ये बहुत साफ बताती है, और जिसने हर तरह से इस देश को कमजोर करने की कोशिश की है। पंजाब के लोगों से मैं अपील करती हूँ, आप अपनी पंजाबियत बरकरार रखना चाहते हैं, आप जिस धर्म का पालन करना चाहते हैं उसे बरकरार रखना चाहते हैं, तो इस देश के अलग अलग रंगों को हमको सम्मान करना सीखना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक चश्मे से सबको देखती है उस तरह से वो हमारी संस्कृति भी खत्म कर रही है। ये कह के मेरी बात खत्म होती है। पहले सुओ मोटो, जो हमने जिस मुद्दे पर बात की है उस पर आपके कोई भी सवाल होंगे उनका स्वागत होगा। अगर आप बहुत लोकल मुद्दे पूछेंगे तो मेरे पास बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मैं उनसे उम्मीद करूंगी कि वो उसका जवाब देंगे, पर सबसे पहले मुद्दे पर हम बात करें। 2017 मोबाइल देने की बात की थी, मोबाइल नहीं मिला। मैं इंटरनेट देने की बात की थी, नहीं मिला। मैं जवाब दूंगा, क्यों नहीं दिया? आपने पंजाब स्पेसिफिक सवाल पूछा है तो जवाब यहाँ से आया। देखो जेड़ी चीज नहीं कर सके उसका जवाब 2022 च दे चुके ने। वो इलेक्शन सी सीएम दी, मुख्यमंत्री दी, ये इलेक्शन है पीएम दी, देश दे प्राइम मिनिस्टर दी, एदा ते उदा बखरेवा आ। हाँ उदिया गलतियां जड़िया सी उदी सजा कांग्रेस भुगत चुकी है, और हुण जड़ी गल होनी आ वो कॉन्स्टिट्यूशन बचाउण दी गल। कॉन्स्टिट्यूशन जड़ा जड़ा सानू समानता दिंदा है, जड़ा सानू बराबरता दा अधिकार दिंदा आ, जिहड़ा सानूं वर्गीकरण तो उत्ते चुकदा आ, जिहड़ा धर्म निरपेक्षता सुनाउंदा आ, सैकुलरिज्म दी रखा आ। इह उहनां ताकतां नाल लड़ाई है इस वेले देश दी जिहड़े लोग सैकुलरिज्म नूं मनदे ने, और देश तद चल सकदा जे सारे वर्गां दे लोग इकट्ठे पवांगे, जे धर्म इकट्ठे बहणगे। सो अज जिहड़ा देश दे हालात ने, अज इक डिक्टेटरशिप दी तरह सरकारां तोड़ियां जा रहियां ने, इक लोकतंत्र द्वारा चुनी सरकार,
हाँ वो काम ना करे लोग लांबे कर दें तो एक वक्री गल है, पर एक केड़ी शक्ति है जिहड़ी उहनूं सरकार नूं भंग करदी है, जिहड़ी हॉस्टेडिंग करवाउंदी है, जिहड़ी उहनां दे उत्ते ईडी दा दुरपयोग करदी है, अज न्याय प्रणाली दे उत्ते दुरपयोग, कार्ज प्रणाली दे उत्ते दुरपयोग, अज विधान पालकां नूं खत्म कीता जा रिहा। पहली वार होया कि सारे मैंबर पार्लीमेंट सस्पेंड कर दिते गए होण, तुसीं उहनां चीज़ां नूं वेखो जिहड़ी अज लड़ाई है, अज एक फिरका प्रेस दे नाल लड़ाई लड़ी जा रही है, वह ताकत जिहड़ी वंडियां पा रही है। मणिपुर की घटनावां नूं की कहोगे, एक प्राइम मिनिस्टर बयान ना देवे, अज एक 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 स्टेट की इलैक्शन के मुद्दों नूं एक उन्हां मुद्दों नाल नाल जाइए, अज वह मुद्दे जिहड़े ने उहदी जिहड़ी जिहड़ा जिहड़ा लोकां ने फैसला करना सी 2022 च दे के उन्हां लोकां ने जिन्हां ने गलती की सी, गलत फैसले दिते सी, वह साडे तों पार्टी भी छड्ड के चले गए ने। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 5,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ 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 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਜੇ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਸਾਰੀ ਸੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੌਰਵ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿੱਥੇ, ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ 50% ਲੇਡੀ ਚ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ, ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 400 ਵਾਰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ? ਅੱਜ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 106ਵੇਂ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਇਨਕਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 143ਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਦੇਸ਼? ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਹ ਰੇਤਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕ ਰਹੀ? ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੀਡੀਪੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਜ 'ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ 1-2-4 ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ 700 ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ? ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ? ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੜਫਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਸ਼ਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ, ਕਿਹਦਾ ਐਕਟ ਸੀ? ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖੋਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਸਟਿਸ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਿਕੰਮੀ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਨਾਥ ਬਦਲੇਗਾ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ
कांग्रेस पार्टी पूरी तरह कायम रहेगी। एक एक सवाल जी। भाजपा का ये आरोप है जो इस बार का जो किसान आंदोलन है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो किसानों से चर्चा करके कानून लाए भी नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के जो उस समय कृषि मंत्री थे उन्होंने किसानों से बात करने के बजाय अपने सेक्रेटरीज को भेज दिया था बात करने के लिए। तो ये बहुत समझने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने 700 किसानों की शहादत पर एक शब्द नहीं कहा और प्रधानमंत्री जी ने सत्यपाल मलिक जी से कहा कि अब मेरे लिए मर गए हैं। तो ऐसे लोग अगर कुछ कहते हैं तो उनके ऊपर आपको भरोसा नहीं ही करना चाहिए, एक बात। और दूसरी चीज, मैं मानती हूँ कुछ पंजाब के लोगों को मैं देखती हूँ उनको बड़ा बीजेपी में नयापन लगता है, और जबकि लोग बता रहे हैं कि देखिए वो खतरनाक है हमारे लोकतंत्र के लिए। क्या पंजाब के लोग सिर्फ ट्राई करने के लिए जहर खरीदना पसंद करेंगे कि चाट के देखें कैसा है? जब पंजाब की पंजाबियत खत्म कर देगा कोई एक ही चश्मे से देख के, क्या तब हमको सीखना पड़ेगा? तो बीजेपी की जो विचारधारा है वो जहरीली है और उसको टेस्ट करके मत देखना। आपका इतना खूबसूरत राज्य है जिसको पूरे देश को जिसके ऊपर फक्र है उसकी पंजाबियत उसकी जो खूबसूरती है वो खत्म होगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा पर कोई भरोसा मत करें।